बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए 24 बार पत्रकार वार्ता की, भारत चीन सीमा विवाद पर 24 बार पत्रकार वार्ता की, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, बाकायदा चीन की सीमा के विवाद पर संकल्प पत्र जारी किया। और मुझे लगता है कि अगर उस वक्त ऐसा करना राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रीय धर्म था, तो आज भी अगर चीन घुसपैठ किया है तो उस पर सवाल उठाना राष्ट्रीय धर्म है। उन्मादी बातें और ये लफाजी अब छोड़ देना चाहिए भाजपाइयों। बहुत लफाजी कर ली आपने देश के साथ, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आपने लफाजी कर ली, महंगाई खत्म करने के नाम पे आपने लफाजी कर ली, डॉलर रुपया बराबर हो जाएगा इसके नाम पे आपने लफाजी कर दी, और डॉलर रुपया बराबर करते करते आपने पेट्रोल डीजल का दाम बराबर कर दिया। अब इन लफाजियों से देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने बहुत जुमलेबाजी कर ली इस देश के साथ, ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहां गया 12 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान के 6 साल के अंदर? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार का वादा आपने किया, आपने काला धन लाने का वादा किया, आपने महंगाई कम करने का वादा किया, और हर चीज में जनता को ठगने का काम किया आपने। आपको जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस तरह से डोकलाम में घुसपैठ की? आपको जानकारी नहीं है कि उन्होंने जैसे मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर, जिसको हम पैरवी कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जाए, उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध उसी व्यक्ति ने किया जिसको प्रधानमंत्री जी झूला झूला रहे थे, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग। तो प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो ये मैप देख लीजिए और समझिए कि किस तरह से आज चीनियों ने घुसपैठ किया है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि चीनियों ने घुसपैठ की है और उनको भारत की धरती से खदेड़ना है। आज पूरा हिंदुस्तान इस शहादत का, हमारे सेना की शहादत का बदला चाहता है। आज पूरा हिंदुस्तान अपनी जमीन वापस चाहता है। आप तमाम तरीके के उदाहरण देते हैं, 62, 65, 67, 64, कांग्रेस के समय के कार्यकाल की चर्चा, आप वो क्यों करना चाहते हैं? अरे भाई, उन्होंने अपराध किया, उनको लोगों ने हटा दिया, अब 2 बार से आप चुन के आ रहे हैं, अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ पे है। आज देश के प्रधानमंत्री आप हैं, आपसे जवाब मांगा जाएगा। जब डोकलाम हो रहा था उस समय भी इस तरह से लीपापोती के बयान, आज जब गलवान घाटी के इलाके में, पेंगोंग झील के इलाके में चीन की घुसपैठ हो रही है, फिर भी उसी तरह के लीपापोती के बयान, झूठ के बयान। तो इस बात से बहुत हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। और भाजपाई हर चैनल पर बैठ के कहते हैं विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए, विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी 2004 से लेकर 2014 तक, यानी 10 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, ये आपको जानना जरूरी है। उस समय 10 साल के अंदर बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए 24 बार पत्रकार वार्ता की, भारत चीन सीमा विवाद पर 24 बार पत्रकार वार्ता की, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, बाकायदा चीन की सीमा के विवाद पर संकल्प पत्र जारी किया। और मुझे लगता है कि अगर उस वक्त ऐसा करना राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रीय धर्म था, तो आज भी अगर चीन घुसपैठ किया है तो उस पर सवाल उठाना राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, मैं ऐसा मानता हूं। बीजेपी ने 10 साल तक विपक्ष में रहते हुए भारत चीन सीमा विवाद का जो मुद्दा उठाया वो उनका राष्ट्रीय दायित्व था, वो उनका राष्ट्रीय कर्तव्य था, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। और आज विपक्ष में रहते हुए अगर भारत के अंदर चीन की घुसपैठ का मामला विपक्ष उठा रहा है तो ये विपक्ष का राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये विपक्ष की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, यही असली राष्ट्रवाद है। और जो लोग आज चीन की भाषा बोल रहे हैं, दरअसल वो चीन के साथ क्या उनका तालमेल है, क्या उनकी बातचीत है, क्यों वो इतना झुककर बात कर रहे हैं, ये उनको बताना चाहिए। आप रोज विपक्ष से सवाल खड़ा करते हैं, अरे आपकी तो जब
जब विपक्ष में था भारतीय जनता पार्टी, जब विपक्ष में थी उस वक्त नवंबर 2013 में, नवंबर 2013 के अंदर भगत सिंह कोश्यारी जो आज के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनके नेतृत्व में बाकायदा एक डेलीगेशन बना के चीन की सीमा पर भेजा गया ये जानकारी लेने के लिए कि भारत चीन की सीमा का विवाद क्या है, घुसपैठ कहां कहां पर हुई है, ये पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में भेजा था। तो क्या वो राष्ट्रद्रोह था? क्या वो राष्ट्र विरोधी कर्तव्य था? क्या इतना ही नहीं, जब रक्षा मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष राजबब्बर जी थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद विपक्ष में रहते हुए मुख्तार अब्बास नकवी और आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा लद्दाख से सेना के अधिकारियों को संसदीय समिति के सामने बुलाइए और उनसे सीमा के हालात के बारे में पूछताछ कीजिए। तो क्या वो राष्ट्रद्रोह था? क्या आपको सेना की क्षमता पर, उनके पराक्रम पर विश्वास नहीं था? आप तो सेना के अधिकारियों को संसद की संसदीय समिति के, अस्थाई समिति के सामने बुलाने की बात कर रहे थे। आप तो एक डेलीगेशन बना के चीन की सीमा पर भेज रहे थे। 24 बार आपने पत्रकार वार्ता की, चीन के मुद्दे पर अपना संकल्प पत्र जारी किया, अपना राजनीतिक प्रस्ताव जारी किया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उस विषय पर चर्चा की। तो आज अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछता है तो यह कोई अपराध नहीं है। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, संसद के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाहरलाल नेहरू पर महापाप करने का आरोप लगाया, और मैं समझता हूं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, राष्ट्र के गौरव के साथ कोई समझौता किया जाएगा, सेना के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता किया जाएगा, तो सवाल उठाना हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है, हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने क्यों चीन की भाषा बोली? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज चीन की भाषा क्यों बोल रही है? क्यों कह रही है कि नहीं नहीं साहब, चीन ने कोई घुसपैठ नहीं किया? जब आप कहते हैं चीन ने कोई घुसपैठ नहीं किया, इसका मतलब आप हमारे 20 जवानों की शहादत को अपमानित करते हैं, क्योंकि हमारे जवानों ने शहादत दी भारत माता की धरती से चीनियों को खदेड़ने के लिए। आप चीनी सामानों के बहिष्कार की बात आप कर रहे हैं, आपने कितना चीनी सामानों को हिंदुस्तान में जगह दी है, उनको व्यापार करने का मौका दिया है, आपको अंदाजा है? 5,00,000 करोड़ रुपए का आयात, लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए का आयात प्रतिवर्ष हिंदुस्तान चाइना से करता है, यानी 5,00,000 करोड़ रुपए की खरीद, 5,00,000 करोड़ रुपए का व्यापार आयात चीन से हिंदुस्तान कर रहा है। तो वो आपके सैनिक मार रहे हैं और आप उनको 5,00,000 करोड़ रुपए का व्यापार दे रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं हम चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे। अब तक क्यों सो रहे थे आप? आपको जानकारी नहीं है कि चीन आपका विरोधी है? आपको जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस तरह से डोकलाम में घुसपैठ की? आपको जानकारी नहीं है कि उन्होंने जैसे मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर, जिसको हम पैरवी कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जाए, उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध उसी व्यक्ति ने किया जिसको प्रधानमंत्री जी झूला झूला रहे थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके किया। और मैं तारीखें बता देता हूं कब कब किया। मार्च 2016 में, फरवरी 2017 में, अगस्त 2017 में, तीन बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके चीन ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का, मसूद अजहर को घोषित करने का विरोध किया। मौलाना मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद का प्रमुख आतंकवादी है, तब आपको होश नहीं आया कि चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचानी चाहिए? 16 में, 17 में दो बार, तीन बार विरोध किया। इतना ही नहीं, रसिया ने भारत का समर्थन किया, भारत को समर्थन किया कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में
परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिलनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिलनी चाहिए, अस्थाई सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए। उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध किया चीन ने। और यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो जनवरी 2020 की बात है, यह भी तो आप ही के कार्यकाल में हुआ, आपको दिखाई नहीं पड़ा। और आप छोड़ दीजिए, विरोध किया इन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसके 48 देश सदस्य हैं, उसमें भारत भी सदस्य बने, इसका विरोध किसने किया? चीन ने किया। और उसकी भी तारीख जुलाई 2018, देख लीजिए ये सब निकाल के, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य भारत बन सके, इसका भी विरोध चीन ने किया जुलाई 2018 में, 13 जुलाई 2018 को। तो अब आप ऐसे समझिए, हर चीज में आपका विरोध करने वाली चीन को आप व्यापार दिए जा रहे हैं, उनके उनकी उनकी आर्थिक क्षेत्र में पूरी घुसपैठ कराए जा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं चीनी सामानों का बहिष्कार करो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की वो पार्टी है, राष्ट्र के साथ और राष्ट्र के व्यापारियों के साथ इतनी बड़ी चोट आपने पहुंचाया है, उनके पेट और पीठ पर लात मारने का काम, रिटेल में 100% FDI लाने का काम आपकी सरकार ने किया, रिटेल में 100% विदेशी निवेश करने की छूट आपकी सरकार ने दी, और आज आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार आप देते हैं, और किन किन क्षेत्रों में आप देते हैं वो सुन लीजिए। आज जैविक रसायन 12% आयात चीन से होता है, प्लास्टिक 44% आयात चीन से होता है, स्टील 17% आयात चीन से होता है, सोलर पैनल 75% आयात चीन से होता है, फार्मा ड्रग 69% यानी लगभग 70% इसका आयात चीन से होता है, यानी हिंदुस्तान में जो दवाएं बनती हैं उसमें 80% के लगभग रॉ मटेरियल चीन से आता है, कृषि टेक्निकल इनपुट 50%, ऑटो टायर 20% चीन से आयात होता है, पेपर 17% चीन से आयात होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी 30% चीन से आयात होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बॉयलर्स 20.5% चीन से आयात होता है। इसी तरीके से स्टार्टअप्स में कितना निवेश है चीन का, सुनिए, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, स्विगी, ओला, पेटीएम, स्नैपडील, बिग बास्केट, जोमैटो, हाइक। आप आज आप विरोध की और बहिष्कार की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आपने चीनियों के कब्जे में दे रखा है, आपको शर्म नहीं आती? पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आपने चीनियों के कब्जे में दे दिया, तब जब आप जान रहे थे कि वो एक आतंकवादी का समर्थन कर रहा। 2016 से लेके आपके कार्यकाल में 16 में 17 में 3 बार विरोध किया जैसे मोहम्मद के आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने का, और आप उस देश को व्यापार दिए जा रहे हो, हर क्षेत्र में उनकी घुसपैठ किए जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो मोबाइल बिकते हैं उसमें मात्र 1.5% मोबाइल, मात्र 1.5% मोबाइल भारतीय है, बाकी सारे के सारे विदेशी मोबाइल हिंदुस्तान में इस्तेमाल होते हैं, और तमाम मोबाइल जो है वो चाइना के हैं। BSNL और MTNL में तमाम उपकरण चाइना के इस्तेमाल होते हैं। हिंदुस्तान में जैसा मैंने आपको बताया आयात निर्यात का, और ये सब भी किनारे आप कर दीजिए, देश में जितनी सड़कें बनती हैं उसमें तमाम ठेका चीनी कंपनियों को दिया जाता है, रेलवे के कामों में तमाम ठेका चीनियों को दिया जाता है, ब्रिज के फ्लाईओवर्स के कामों में तमाम ठेका चीनियों को दिया जाता है, और तो और छोड़िए, लौह पुरुष की प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को 3,000 करोड़ रुपए का ठेका उनकी प्रतिमा बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीनियों को दे दिया। तो सारे तरफ सारा व्यापार, सारा हिंदुस्तान का व्यापार लुटाकर 5 लाख करोड़ रुपए का आयात करके आज आप देश के सामने
नौटंकी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत और पता नहीं क्या क्या नारे आप फर्जी दे रहे हैं। अरे फर्जी नारों को बंद कीजिए, अगर वास्तव में चीन का बहिष्कार करना है तो आपके पास रोड मैप क्या है देश को बताइए, चरणबद्ध तरीके से कैसे चीनी सामानों को हिंदुस्तान से भगाएंगे ये बताइए। यहां झालर भी चीन का मंगा के इस्तेमाल होता है, छोटी छोटी चीजें, प्लास्टिक का सामान हो, मोबाइल का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, फर्नीचर का सामान हो, खाने का सामान हो, पीने का सामान हो, सब चीन से, सारा ठेका उन्हीं चीनियों को, उनको आप झूला झूला रहे थे और आप कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, तो आपकी किस बात पर यकीन किया जाए। इसलिए देश को भरोसे में लीजिए, देश की जनता को भरोसे में लीजिए, विश्वास में लेकर ये बताइए। एक दिन आप कहते हैं कि हमारे 3 जवान शहीद हुए, फिर आप कहते हैं हमारे 20 जवान शहीद हुए, फिर खबरें आई कि हमने 10 जवानों को छुड़ाया चीनियों के कब्जे से, फिर खबर आई कि नहीं साहब नहीं छुड़ाया, फिर खबर आई कि साहब हमने भी उनके कब्जे कर रखे हैं। अरे भाई आप देश के सामने सच्चाई क्यों नहीं बताते? अब चीन की आपके बयान को चीन के अंदर लोग चला चला के जश्न मना रहे हैं, वहां कह रहे हैं साहब गलवान घाटी तो अब हमारी हो गई, गुलाम रसूल गलवान जिनके नाम पे वो घाटी है जो भारतीय नक्शों में आज से नहीं सदियों से प्रदर्शित है, दिखती है, उस गलवान घाटी को चीन कह रहा है हमारा है। चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, चीनियों को मजबूती से जवाब दीजिए, उनकी भाषा में जवाब दीजिए, उनको आर्थिक स्तर पे भी कैसे हिंदुस्तान के बाजार से बाहर करना है इसकी कार्य योजना बनाइए, रोड मैप बनाइए, देश के सामने रखिए, और चरणबद्ध तरीके से कैसे चीन के सामान को यहां से आप निकालेंगे ये देश को बताइए, ये तरीका समझाइए। उन्माद में नहीं कि पता चला किसी हिंदुस्तानी ने मोबाइल की दुकान खोल ली है तो आप जाके उसकी दुकान जला दीजिए, इन उन्मादों से कुछ होने वाला नहीं है। उसने बेचारे ने तो अपनी जमीन बेच के दुकान खोली है, उसके यहां 2-3 हिंदुस्तानी ही रोजगार करते हैं, उनका मोबाइल का स्टोर जला के तुम क्या पालोगे? इसलिए बहिष्कार करना है तो सारे विकल्प हिंदुस्तान में तैयार कीजिए। पानी का व्यापार करने के लिए किसी चीन के कंपनी की जरूरत नहीं, फल का व्यापार करने के लिए किसी चीन के कंपनी की जरूरत नहीं, प्लास्टिक का व्यापार करने के लिए किसी चीन की कंपनी की जरूरत नहीं, झुनझुना बनाने के लिए, गुब्बारा बनाने के लिए, मट्टी के बर्तन बनाने के लिए चीन की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के व्यापार को आप संरक्षित कीजिए, सुरक्षित कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको इंसेंटिव दीजिए, उनको छूट सब्सिडी दीजिए जिससे वो अपना व्यापार बढ़ा सके। हिंदुस्तान का व्यापारी आज की तारीख में आपने 4,000 वस्तुएं जो सुरक्षित और संरक्षित थी कि इसमें हम बाहर से आयात नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे कांग्रेस हो बीजेपी हो सबने आयात प्रतिबंध हटा दिया। 4,000 वस्तुएं ऐसी थी 1991 के पहले जो प्रतिबंधित थी आयात की दृष्टि से, यानी हिंदुस्तान में उन 4,000 वस्तुओं का विदेशों से आयात नहीं हो सकता, क्योंकि ये नियम इसलिए बनाए गए थे कि हिंदुस्तान के व्यापारियों का व्यापार प्रभावित ना हो। धीरे धीरे करके कांग्रेस ने, आपने, सबने मिलके चीनियों के लिए, तमाम विदेशी कंपनियों के लिए आपने व्यापार खोल दिया। अब वो आके हिंदुस्तान में अपना व्यापार कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का व्यापारी है वो बर्बाद हो रहा। आप बताइए, आज अगर आप चीन का बहिष्कार कर रहे हैं तो दिमाग लगाकर सोच समझकर एक कार्य योजना बनाकर आगे बढ़िए। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, दूसरे देशों में भी जो कंपनियां खोले हुए हैं वो भी चीनी हैं। ऐसा ना हो कि मेड इन चाइना देख के और मेड इन मलेशिया देख के आप भ्रमित हो जाए। सारी जानकारी, सारा पता करके काम कीजिएगा और देश को पूरी जानकारी दीजिए। हमें पता तो चलना चाहिए, नहीं पता चला मलेशिया का कोई सामान इस्तेमाल कर रहा है, पता चल रहा उसका मालिक चीनी है, तो ये भी एक समझाने की जरूरत है। उन्मादी बातें और ये लफाजी अब छोड़ देना चाहिए भाजपाइयों को, बहुत लफाजी कर ली आपने देश के साथ,
दो करोड़ रोजगार के नाम पे आपने लफाजी कर ली, महंगाई खत्म करने के नाम पे आपने लफाजी कर ली, डॉलर रुपया बराबर हो जाएगा इसके नाम पे आपने लफाजी कर दी, और डॉलर रुपया बराबर करते करते आपने पेट्रोल डीजल का दाम बराबर कर दिया। अब इन लफाजियों से देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने बहुत जुमलेबाजी कर ली इस देश के साथ, ये कर देंगे वो कर देंगे, दो करोड़ रोजगार देंगे। कहां गया 12 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान के 6 साल के अंदर? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार का वादा आपने किया, आपने काला धन लाने का वादा किया, आपने महंगाई कम करने का वादा किया, और हर चीज में जनता को ठगने का काम किया आपने। हर चीज में ठगने का काम करते हैं, हर चीज में झूठ बोलने का काम करते हैं। तो अब इन लफाजियों से देश को बचाइए। अब एक सही दिशा में देश को लेकर अगर चलना है तो सबका विश्वास जीतिए और सबको साथ में लेके बताकर तब काम कीजिए। अब एक जुमला आप आत्मनिर्भर, अरे भाई आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर आपके गृह मंत्री जी बोल नहीं पा रहे थे, वो आत्मनिर्भर बोलने के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहे थे। पत्रकार वार्ता हमने देखी उनकी, वो आत्मनिर्भर नहीं बोल पा रहे थे। तो पहले आत्मनिर्भर कैसे बनना है वो सिखाइए। तो आपने तो पूरा व्यापार हिंदुस्तान का चीनियों के और विदेशी कंपनियों के कब्जे में कर दिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।